नमस्कार दोस्तों डी डी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आलोक तो आज जो वीडियो ले, मैं लेकर आया हूं आपके लिए और जिस पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है व्हाई डू पाकिस्तानीज नेवर टॉक टॉक अबाउट कश्मीरी पंडित्स तो ये सवाल मैंने अभी कल के ही वीडियो में उठाया था कि भाई सारे पाकिस्तानी बात करेंगे कि कश्मीरी मुस्लिम कश्मीरी मुस्लिम कश्मीरी मुस्लिम लेकिन एक भी पाकिस्तानी कश्मीरी पंडितों की बात नहीं करता उन लोगों की बात नहीं करता जो वहां के मूल निवासी थे उन लोगों की बात नहीं करता जो हजारों साल से वहीं पर थे सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। तो इनका जो ये डबल स्टैंडर्ड है उस पर मैंने सवाल उठाया था तो शायद लगता है मुजम्मल भाई ने मेरा वीडियो देखा और इस पर अब ये सवाल पूछने वाले हैं चलिए देखते क्या जवाब आता है पाकिस्तानियों की तरफ से बेसिकली आपसे बात करने का परपस है। अगर मैं बात करूँ डेली रूटीन्स की लाइफ की अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है बारे इसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं हमें जी बिल्कुल हमारा जो एजु ये माइक मुझे दे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी हमें चाहिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है अभी तक वो पुराने का पुराने का पुराना ही है यानी कि उसके अंदर हम लेटेस्ट जैसे जैसे, जैसे टेक्नोलॉजी लाए हमारा जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली तरक्की करेगा लेकिन हम पाकिस्तान में कुछ तो कैपिटल्स की कमी है जिसकी वजह से डिपार्टमेंट जो होते हैं या स्कूल्स कॉलेज होते हैं वो अपना पैसा उधर नहीं लगाते जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सी एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बहुत ज़बरदस्त हो गया तो क्या समझते हैं आपके अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर नहीं करते या हमारा एजुकेशन सिस्टम बेटर नहीं होता तो क्या हम किसी भी मुल्क का किसी भी दूसरे मुल्क का मुकाबला कर सकते हैं नहीं हम कभी भी नहीं कर सकते जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो नहीं ठीक होगा हम कभी भी किसी भी दूसरे मुल्क से यानी को कभी भी कंपटीशन नहीं करेंगे हम पीछे आ जाएंगे तो अगर मैं बात करूँ हम अपने पड़ोसी मुल्क किसी भी मुल्क की बात कर लें अफ़गानिस्तान की बात कर लें चाइना की बात कर लें इंडिया की बात कर लें आज हमारा एजुकेशन सिस्टम कौन कौन से मुल्कों से बेहतर है हमारा जो अफगानिस्तान से बेहतर है और इंडिया से इंडिया से हम बहुत पीछे हैं तो आप कहेंगे हम इंडिया से बहुत आगे हैं इंडिया से तो हम बहुत ज्यादा आगे हैं यार एजुकेशन में आप कैसे कह सकते हैं नहीं नहीं ये मैं प्रूफ से कह रहा सक, कह सकता हूँ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चंद यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पाँच सौ तिरासी यूनिवर्सिटीज हैं हाँ जी ये मैं रिसर्च मैंने की हुई है जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ यार वहाँ पर तो वहाँ वहाँ पर तो एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा है कि वो पाकिस्तान से भी बुरा यहाँ के लोग समझते हैं नहीं नहीं ये आपको किसी ने गलत गाइड किया है मैं एज रिसर्चर आपको बता रहा हूँ कि पाँच सौ तिरासी यूनिवर्सिटियाँ हैं इंडिया में और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हमारे से बहुत ज़्यादा बेहतर है और क्या क्या जानते हैं इंडिया के बारे में और उनके तालीमी निज़ाम और उनके एजुकेशन सिस्टम और उनके डेवलपमेंट के बारे में क्या जानते हैं तरक् क्या पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्याफ्ता इंडिया मैं तो नहीं मानता नहीं मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं हूँ पाकिस्तान अभी पीछे है इंडिया से किस हवाले से एजुकेशन सिस्टम में और तरक्की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट अगर हम देखें ना देखे अगर हम फज़ाई हवाले से बात करें तो फिर पाकिस्तान आगे है क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान के नौजवानों में बहादरी पाई जाती है जिसकी वजह से पाकिस्तान के पायलट भी बहुत अच्छे हैं जैसे आपको अभिनंदन का पता है तो क्या हुआ था उसके साथ अच्छा। हाँ जी और अभिनंदन का पता है लेकिन कोई पाकिस्तानी परवेज मेहदी कुरैशी के बारे में बात नहीं करता कोई पाकिस्तानी परवेज मेहदी कुरैशी को याद नहीं करता ये वो परवेज मेहदी कुरैशी हैं, जो आपके पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं चीफ समझ रहे हैं आप ये वही परवेज मेहदी कुरैशी हैं जिनका विमान फाइटर जेट जो आपके सो कॉल्ड बड़े अच्छे पायलट हैं हमारे जबरदस्त बच्चे हैं उनका शॉट डाउन किया गया था फाइटर जेट और उनको डेढ़ साल तक हमने मेहमान बनाकर रखा था भारत में डेढ़ साल तक आपने तो अड़तालीस घंटे के भीतर अभिनंदन को रिहा कर दिया क्योंकि मिसाइलें गिरने वाली थी डेढ़ साल तक हमने उनको अपना मेहमान बनाकर रखा था और उनको चाय भी पिलाई थी उनको नाश्ता भी कराया था उनको लंच भी कराया था उनको डिनर भी कराया था डेढ़ साल तक कराते रहे थे और वो तो तिरानवे हजार को भी कराया था खैर तो ये किसी को याद नहीं रहता अभिनंदन याद रहता है अभिनंदन जिसने आपके एफ सिक्सटीन को खदेड़ा ठोका ठीक है विमान शॉर्ट डाउन हो गया उसका लड़ाई में होता ही है ये आपने उसको इतना बड़ा वो कर दिया तो भाई फोर्टी एट आवर्स के भीतर छोड़ क्यों दिया ये बताओ छोड़ क्यों दिया <laughs> हमने तो नहीं छोड़ा था परवेज महदी कुरैशी को डेढ़ साल तक रखा और हमारी मेहमान नवाजी परवेज महदी कुरैशी को इतनी अच्छी तरह से याद थी कि जब उन्नीस में करगिल वॉर हुई ये तो ऑन रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेड है जाके पढ़ लेना थोड़ा बहुत अकल लगाना पढ़ लेना उसके बाद बात करना उस समय इंडियन एयरफोर्स बम 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 गिरा रही थी आपके सेना के जवानों पर कुकुर मुत्ते की तरह मर रहे थे वो और आपके इन्हीं परवेज मेहदी कुरैशी को जब याद था कि इंडिया ने कितनी अच्छी खातिरदारी की थी इन्होंने बोला कि मैं तो जंग में भेजूंगा ही नहीं अपने फाइटर भाई मैं तो अपने जेट भेजूंगा ही नहीं और कोई पाकिस्तानी साबित कर दे कि मैं झूठ बोल रहा हूं आपके जटसाई नहीं लड़ाई चल रही है इंडियन एयरफोर्स इन्वॉल्व है उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स चुपचाप बैठी हुई है हमने नहीं जाना जी हमें मतलब ही नहीं है पाकिस्तान से पाकिस्तान की आर्मी से आप सोचो तो ये वही परवेज मेहदी कुरैशी थे उन्हें याद था कि डेढ़ साल तक गजब का हमने उनको गेस्ट का ऑनर दिया था तो उनकी बात कोई नहीं करता किस हवाले से अगर मैं बात करूँ डिवेलपमेंट के लिहाज से तरक्की के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तर तरक्की पाकिस्तान में ही ज़्यादा हो रही है ना इंडिया में तो हो ही नहीं रही तो गुरबत ज़्यादा नहीं ये बे, बेसिकली ये बात है कि जो इंडिया है ना उसका एग्रीकल्चर सेक्टर से, जो है वो भी हमारे से बेहतर है वहाँ जदी जो टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं यानी कि फ़सलों के लिए जदी लेटेस्ट मशीनी जो अभी पाकिस्तान में नहीं है तो उनका हमारे से बहुत अच्छा यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा आपको पता एस की मीटिंग हो रही है इंडिया में नहीं इसका मुझे नहीं पता एस की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान को भी इनवाइट किया क्या हमारे मिनिस्टर्स को जाना चाहिए बिल्कुल जाना चाहिए जाएंगे तो जैसे जै कोई बात करेंगे तो जो हो सकता है कि दोनों ममालिक के अंदर मोहब्बत बढ़ जाए और तजारत हो तो आ, मैं आपको थोड़ा पास में लेके जाना चाहूँगा कि जितनी भी जंगी हुई हैं वो किसने शुरू की है और आ, हमेशा हाथ कौन बढ़ाता है अमन के लिए अगर आपने रिसर्च की है तो अगर आपने एथेंटिक रिसर्च की है तो हमारी ऑडियंस भी देख रही है आप एथेंटिक बात कीजिएगा बताइएगा कि जंगी शुरू किसने की है और ज़्यादा सुलह के लिए मोहब्बत के लिए हाथ कौन बढ़ाता है इंडिया जो है उसकी एक रवायत है कि वो हमेशा से पहले जंगे करता है और उसे बड़ा शौक है इस जंगे करने का लेकिन जब उसे मुंह की खानी पड़ती है फिर हार मान जाता है लेकिन पाकिस्तान की यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन चाह इसकी बेहतरीन मिसाल आपके पास वो इमरान खां की है कि इमरान खान ने कितनी दफ़ा मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उससे बात करने की कोशिश की थी लेकिन उसने नहीं की लेकिन बाद में जब अभिनंदन पकड़ा गया फिर वही सुलह करनी पड़ी सर अगर जंगे उन्होंने शुरू की है तो फिर सारी जंगे जीते भी तो वही होंगे नहीं नहीं बेसिकली ये है कि पाकिस्तान उन्नीस में भी जीता था सैतालीस में भी जीता था इकहत्तर में पाकिस्तान बदकिस्मती से हार गया लेकिन अगर पैंसठ में जंग जीता था तो सियालकोट के मुकाम के ऊपर इंडिया के टैंक आए हुए थे आधे से ज़्यादा सियालकोट तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इंडिया आया हुआ था तो वो टैंक कैसे पहुंच गए हाँ अगर हम जीत रहे होते तो हमारे टैंक इंडिया जाने चाहिए थे हमें यहाँ पर तो ये ऐसा होना चाहिए था कि हमारे जो टैंक थे वो दिल्ली के अंदर मिलने चाहिए थे ये ये कहीं ना कहीं सच्चाई आपको दूसरी तरफ नहीं नज़र आ रही नहीं नहीं मुझे नहीं आ रही बेसिकली ये है कि जब इंडिया ने जंग का इरादा किया तो पाकिस्तान के नौजवानों के पाकिस्तान के जो नौजवान थे उनके अंदर एक जज्बा था लड़ाई का लेकिन उन्होंने साबित किया कि हमारे पास सिर्फ लड़ाई का जज्बा क्यों नहीं है क्यों है अहम डेवलपमेंट का जज्बा क्यों नहीं है म का जज्बा क्यों नहीं है आज अगर देखेंगे तो हमारा नंबर कौन सा कौन से नंबर पे आता है जस्टिस के हिसाब से आप बता दें एजुकेशन के हिसाब से आप बता दें हमारा नंबर कहाँ पे आता है हम सिर्फ लड़ाई बारे हम सिर्फ के बारे में बात क्यों करते हैं हम सिर्फ एटमी धमाकों के बारे में बात क्यों करते हैं हम इस बारे में बात क्यों नहीं करते स्पेस में सबसे पहले कौन जाएगा इंडिया तो चांद पर भी पहुँच चुका भाई उससे भी आगे जा चुका मैं आपको बेसिकली यही बताऊँ कि ये पाकिस्तान जो है ना इसके करप्ट तरीन माफिया जो यानी कि इस हर नहीं सर नहीं सर मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा सर जी आपने भी आप भी करप्ट माफिया हो आपने भी अपने दिमाग को करप्ट कर लिया है मेरे पास आपके एयरफोर्स के चीफ और बाकी लोगों के सब बयानात हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हर बार जंग पाकिस्तान ने शुरू की है एक बार फिर से मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा बतौर सबूत देखिए और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान उसके ऊपर हमने तीन जंगें लड़ी हैं तीनों जंगे पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं सन सैतालीस की सन पैंसठ की सन 99 की कोई इसे अख्तिलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी तो जंग हमने शुरू की थी आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई की छुपाई रखी गई या क्यों आपको छह दफा बोला हूं हमने हर जंग हमने शुरू की की, वो क्या उसकी क्या हवा मिलती है वो भी ज़रा बता दें हमने पहल की और करगिल में हमने शुरू की करगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ, बिल्कुल मुशरफ साहब ने क्यों ऐसा हम क्यों करते ऐसा करके हमें क्या मिलता है बाद में तो हम पशेमान होते हैं बा, बाद में दामत हमें ही होती है लोग रिएक्ट नहीं करते लोग सुनना नहीं पसंद करते जो अखबार लिखेगा ये क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियां देंगे अखबार को भी कहेंगे देखो जी हिंदुस्तान की कर रहे हैं मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा आगीकन आगीकन पतिप्रान पतिप्रान करो। ये जो कहा जाता है कि धमाका कर ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और पहल सुन लिया आपने हर जंग आपने शुरू की अब आपने कहा कि जी हम जीते यकीन मानिए उसका भी चूरन आपको खिलाया गया है आपको असली चूरन नहीं खाया है आपने आपको पता नहीं है आपके ही लोग कोई इंडियन नहीं आपके लोग और कुछ विदेशी लोग बता रहे हैं कि आप लोगों ने कौन कौन सी जंगें जीती हैं एक भी जंग नहीं जीती आप लोगों ने हटाइए चूरनिए सुनिए उन्होंने कत्तर की जंग हारी आपने पूछा उनसे कि आपने कत्तर की जंग हारी

पैंसठ की जीती नहीं थी जी पैंसठ की जंग अगर आप जनरल मूसा खान साहब की किताब देख लें तो उससे मालूम होता है कि चौदह दिन के अंदर अंदर हमारा सारा जखीरा खत्म हो गया था और फिर उसके बाद हमने दोस्त मुल्कों से अपील की कि आप जंग बंदी के लिए कुछ कर दीजिए चुनाचे हमने तमाम जंगे हारी हैं जंग जीती या हारी नहीं ये जंग जीती तो नहीं क्योंकि जो आपका मकसद था कश्मीर लेना वो तो हुआ नहीं जंग छुड़ गई और फिर इसके ऊपर फिर ताशकंद जाना पड़ा और वहां जाके एक पीस ट्रीटी या एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी रिक्वेस्टेड नवाज शरीफ ही रिक्वेस्टेड जी आप जाएं अमेरिका जाएं अमेरिका और इंटरवीन करवाएं इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं और जू ही वो चले गए इसने एकदम शुरू कर दिया ये कि तो हम तो जीत रहे थे अब ये चला गया हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा अमेरिकन एम्बेसडर टॉन्टेड खान इंडियज गोट यू बाई योर थ्रोट इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट वॉर इट शुड नॉट हैं कि सारी जंगें हमने जीती और सारी जंगें इंडिया ने शुरू की बधाई हो करप्शन के बेताज बादशाह हैं तो दिमाग तो करप्ट करेंगे ही ना आप अपना न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़िए ना सर न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़िए न्यूट्रल लोगों की बातें सुनिए तब आपको समझ में आएगा कि असलियत में आप लोगों के साथ क्या हुआ था <laughs> बड़े भोले हैं आप लोग आपने कहा कि लड़ाई का जज्बा हमारे जवानों में बहुत ज्यादा तो हमारे जवानों में सर आप एजुकेशन का जज्बा भी डाले ना नरेंद्र मोदी ने एक बात की थी पिछले और वो जज्बा जब तिरानवे हजार आपके ईस्ट पाकिस्तान में सरेंडर कर रहे थे वो जज्बा कहाँ घुसा हुआ था भाई किधर घुसा था तिरानबे हजार ने डर के मारे हो गई उनकी सरेंडर कर दिया क्यों नहीं लड़े वो आखिर तक अगर जज्बे के साथ थे तो क्यों सरेंडर किया उन्होंने क्यों हथियार डाले उन्होंने नहीं मानते अपने अफसर की बात बताइए तब जज्बा नहीं नजर आया <laughs> दिनों उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ इंटरनेट के ऊपर उसने नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई आप आज हम आपके साथ जंग करते हैं पाकिस्तान उन्होंने ये नहीं कहा कि एडमी जंग करेंगे हमारे यहाँ से तो ये कहते हैं कि हम इंडिया के सर एडमी जंग करेंगे उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन पर जंग करते हैं देखते हैं कि कौन ज़्यादा आगे बढ़ता है उन्होंने कहा कि आओ हम जंग करेंगे तालीम के ऊपर उन्होंने कहा कि जंग करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर कौन ज़्यादा आगे बढ़ता है इंडिया या पाकिस्तान सर मैं आपको ये बेसिकली बताऊँ ना जो पॉइंट है मेरे पास पाकिस्तान में ना फैसिलिटी नहीं है हर चीज़ की आप किसी यूनिवर्सिटी में भी चले जाएँ ना तो आपको बेसिकली जो आपको मटीरियल चाहिए किसी लैब में भी जाएँ तो आपको बेसिकली बुक मिलेगी नहीं लेकिन इंडिया की बात करूँ तो मैंने अपने खुद थीसीज अब लिखे तो मैंने इंडिया से यानी कि ऑनलाइन थीसीज मंगवाए तो ए, इंडिया का जो एजुकेशन सेक्टर है ना वो हमारे से ज़्यादा बेहतर है सर तो जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बेटर हो तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पर लोग एजुकेटेड पैदा होते हैं वो लोग जंग से ज़्यादा वो सुला को प्रेफरेंस देते हैं इस चीज़ को मानते या नहीं मानते नहीं वो मैं मानता हूँ बिल्कुल आप इसकी बात आपकी बात पे एग्री करता हूँ लेकिन पाकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बेसिकली सही रिसर्च का काम हो रहा है जैसे कॉमसर्ट है कॉम्सर्ट में मैं खुद था तो कॉम्सर्ट में मैंने बहुत कुछ सीखा तो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसमें भी बेहतरीन काम करवाया जाता है और जितने भी डॉक्टर्स इंजीनियर्स जो हैं वो ज़्यादातर पंजाब यूनिवर्सिटी के ही हैं यहाँ पर आपने कहा कि इंडिया से बात इंडिया के बारे में बात ही नहीं करनी सर एस की मीटिंग होने जा रही है आगे एस की मीटिंग के अंदर टोटल वर्ल्ड के लीडर्स भी जा रहे हैं और हमारे हुक्मरान भी जा रहे हैं बिलावल भुटो साहब भी जाने की उन्होंने कहा था कि इंडिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए अब मैं आप चाहिए। नहीं, मैं आपसे बोलना इंडिया 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 के फिर कहता को को छोड़े जो इधर मामले डिस्कस करें इंडिया को आप क्यों लगते हम, लगते? हमारे बीच सर हम हमारे 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 नेबर्स मैं आपको लिए इंडिया रोल मॉडल नहीं है रोल मॉडल नहीं होगा बेसिकली बात करने का पर्पस ये है जब एक बच्चा होता है ना सर मैं था क्लास में तब मैं मेरे साथ मेरे पप्पो का बेटा भी क्लास फेलो था तो वो जब मुझसे अच्छा पढ़ता था तो माँ कहती थी देख बेटा तेरे पुप्पो का बेटा

इंडिया की फौज सियासत में दाखिल नहीं देती इंडिया की फौज ये पाकिस्तानी फ़ौज खुद एक बंदे को लाते हैं फिर उसको अमेरिका के कहने पे उसको तब्दील करते हैं फिर नए बंदे ले आते हैं फिर अमेरिका के कह रहे हैं उसमें तब्दील कर देंगे फिर नए बंदे ले आएंगे हमारी तो पॉलिसी कोई नहीं है हमारी तो कोई पॉलिसी नहीं है सर हमारे मुल्क से जो गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनीज है बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी मुल्क को छोड़कर बाहर जा रही हैं क्या वजूहत है ओ भाई जब एक हर चीज़ महंगी कर दी है हर चीज़ महंगी कर दी है बिजली दिन ब दिन महंगी कर रहे हैं गैस का भी आपने देखा वो चालीस का मीटर था उन्होंने कहा पाँच सौ पर मंथ लेंगे तो लाने अंडर कोई नहीं है तो फिर हालात इस तरह ही होंगे सर डॉलर के नीचे आने का कोई इनकाम आता है हमारे रुपये के तब तक करप्शन का माफिया शबाज शरीफ नवाज शरीफ जिंदा है ये डॉलर नीचे नहीं आएगा ये सारा अमरीका के कहने पर कर रहे हैं ये इनका इनके बस की बात ही नहीं है अब बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में वो हमसे गरीब मुल्क है सर, अमेरिका को गालियां देते हैं यहाँ पर खड़े होकर लेकिन अगर आप देखेंगे तो मुश्किल वक्त किसने कहा कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश आपसे गरीब मुल्क है उनकी करेंसीज देखी है आपने उनका फॉरेक्स रिजर्व देखा है आपने कहीं आप आसपास भी नहीं फटकते हो सर और उसके बाद आप कहते हो कि जी आपसे गरीब मुल्क है अरे कब तक इस झूठ के जंजाल में जियोगे कब तक उम्र हो गई आपकी झूठ देख के झूठ बोल के आपको शर्म नहीं आती है कि तो ऊपर वाले को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा मैं कोई पाकिस्तानी ये नहीं सोचता है कि झूठ तो बोल देता है जाके दिखाएगा क्या वो मुंह अपना वहां पे तो नंगे हो जाएंगे आप मतलब ऐसा आप मुझे लगता है जैसा आप लोग बातें करते हो मैं अमेरिकन भी बड़ी, बड़ी मदद की है हमें डॉलर आते हैं सर वहां से सर आपने रिसर्च की होगी कि जब पाकिस्तान के हालात खराब होते हैं अमेरिका से डॉलर्स आते हैं जब किसी दो मुल्कों की जंग लगती है तो बीच ने में तुम्हें दर्द दिया तुम्हें दुआ दोगे पहले हम पे एक हजार करते हैं फिर दस परसेंट हमें रिलीफ देते हैं तो ये तो कोई बात ना हुई ये नहीं वो हमारा दुश्मन है वो हमारा नहीं मुसलमानों का दुश्मन है वो अमेरिका और वो हम उसके हम सब इसके उसके गुलाम बने हुए अब अरे सर अगर मुसलमानों का दुश्मन है तो छोड़ो ना अमेरिकी चीजें लेना यार छोड़ दो ना अमेरिकी इमद लेनी जो वो लाखों डॉलर आते हैं करोड़ों डॉलर आते हैं अफगानिस्तान रिफ्यूजियों के नाम पर आपके पास डॉलर आते हैं वो डॉलर क्यों ले रहे हो आप अमेरिकी डॉलर छोड़ दो ना अगर वो मुसलमानों का दुश्मन है तो आपके के लिए पैकेज आया चार मिलियन डॉलर का छोड़ दो ना अगर इतनी तब वहां पर मुसलमान नहीं दिखते तब इस्लाम नजर नहीं आता आपको तब इस्लाम को आप दोहरे नंबर पर लेकर आ जाते हो जहां पर डॉलर दिख जाते हैं क्यों ऐसी दोगलेपन वाली बातें करते हो यार आप लोग इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तानी दोगले होते हैं सारे नहीं दो इस तरह के लोग हैं। भाई जब आपको लगता है कि वो मुसलमानों का दुश्मन है लेकर जो भी जितनी भी गाड़ियां है, अमेरिकन सारी बाइकआउट कर दो सब एंटी मुस्लिम है यहां पर तो नहीं करोगे यहां पर तो अपना फायदा है नहीं नहीं इस्लाम सेकंड में उधर ले जाओ इस्लाम को अभी यह फायदा हो रहा है ये बटोर लो डॉलर आ रहे हैं बटोर लो शर्म आती है आप लोगों पर अमेरिका ने भी हाथ उठा दिए हैं अमेरिका के अंदर एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाली लड़की है जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर के लिए अप्लाई करने जा रही है अभी नेक्स्ट इलेक्शन में में वो आएंगी तो उन्होंने कहा कि... अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर क्या मैंने तो प्रेजेंट ही सुना है आज तक प्राइम मिनिस्टर तो नहीं सुना मैंने आ, अमेरिका में हो सकता हो भाई मेरे पास खबर लेट पहुंची हो मुझे जानकारी नहीं है भाई हो सकता है अमेरिका में अब प्राइम मिनिस्टर वाला सिस्टम चालू हो गया हो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों आई डोंट नो मुजम्मिल भाई बोल रहे हैं के सख्ती से उन्होंने ऐलान किया है पाकिस्तान हम ही से पैसे लेता है मुश्किल वक़्त में हम पाकिस्तान की मदद करते हैं लेकिन पाकिस्तान के लोग भी जब उनके हालात ठीक हो जाते हैं तो वो हम ही कोई गालियां देते हैं तो इसीलिए पाकिस्तान को देना बंद कर दो ऐड जो भी देते हैं थोड़ा सा नारा मारा था आपको पता ही है थोड़ा सा गुलाम है अमेरिका जो है उसके वाले से तो सारी सारे लोग उसके पीछे इकट्ठा हो गया था लोग दिल से नफरत करते हैं नफरत करते हैं लेकिन ये होता है अपने मफाद के लिए दुश्मन से फायदा भी लेना पड़ जाता है वैसे नफरत करते हैं बहुत शुक्रिया हो गया सर थैंक यू सो मच नाइस टॉक विद यू बहुत आला नाम आपका मोहम्मद सईद क्या करते हो आप मैं इलेक्ट्रॉनिक्स यूपीएस पार्ट्स का काम करता हूं बहुत आला बहुत ज़बरदस्त तो जिस तरह के सीनारी चल रहे हैं मुल्क के अंदर क्या समझते हो एज पठान के आप लोगों के पाकिस्तान को आज़ाद करवाने के अंदर बहुत बहुत बड़ा हाथ रहा है तो अब पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ है तो ये मौजूदा सिनेरियोस को देखते हुए क्या फील करते हो एज आ पाकिस्तानी एज आ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए असल में सर 2018 से पहले हमारे काम भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे सब कुछ सही था ना ये सारा गड़बड़ अठारह के बाद हुआ है अठारह के बाद इमरान ख़ान ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का ठीक है और बाकी गरीब तबाह हो गया तो इमरान खान भी पठान है ये भाई साहब भी पठान है और ये पठान एक दूसरे पठान को गाली दे रहा है कि बेड़ा गर्क कर दिया है समझ में नहीं आ रहा ना गरीब का कोई नहीं पूछता और और बाकी जो है ना इन शह पी डी एम काम करेगी थोड़ा मौका थोड़ा टाइम मिल जाए ना इन शाह तो आप देख लेना इनशा मुल्क तरक्की भी करेगा सब कुछ करेगा इन शही होगा जिस तरह के हालात आप देख रहे हो लेकिन अगर इसी बरक्स हम अपने पड़ोसियों मुल्कों के हालात देखें तो वो बहुत ज़्यादा डिवेलप हो गए हैं आप अफगानिस्तान की बात कर लें आप ईरान की बात कर लें आप इंडिया की बात कर लें हम ज़्यादा तरक्की याफ्ता हुए हैं क्या है असल में सर हमारा बस सब बात दूर चली जाएगी ना दूर जाने दे तो असल में कोई किसी को छोड़े ना काम करने के लिए तो वो काम करे अब हर बंदा अपना अपना काम करे अरे धारा हर बंदा तो इस तरह मुल्क तरक्की करेगा कल मैं फेसबुक पे एक पेज देख रहा था कल मैं एक पेज देख रहा था फेसबुक पे एक वीडियो इंडिया इस वक्त दुनिया की पांचवी बड़ी मीशियत बन रही है ठीक है ना बन गया है माशाल्लाह से माशा इसलिए कहेंगे कि बस वो हमारा पड़ोसी है ना और पाकिस्तान के ये हालात आप देख ले ना किसी को आटा मिल रहा है ना किसी को खाने पीने का भी वो सामान नहीं मिल रहा बाकी तो छोड़ देना ये जो ज़रूरी चीज़ है इंसान के लिए ना ये बहुत मुश्किल हो गई है कसम से क्या अब हमें इंडिया पांचवी बड़ी मैशत बन गया इस वजह से इंडिया के साथ अच्छे कर लेने चाहिए या इस वजह से कि वो हमारा पड़ोसी है उससे नफरत भी नहीं कर सकते इस वजह से तलुकात अच्छे करने चाहिए मैं कह रहा हूँ भाई जान गरीब का सोचो बिजनेस का सोचो कारोबार का सोचो लोग किधर पहुंच गए हम आज भी कह रहे हैं, इंडिया ये वो पाकिस्तान वो लोग चांद पे पहुंच गए कसम से इससे भी आगे इंडिया इससे भी आगे तो हम कह रहे हैं, इंडिया ऐसे हो पाकिस्तान वैसे हो ये फौज मौज खत्म कर लो भाई जान और जो है ना लोगों को खाना दो पीना दो रोज़गार रुज़ दो लोगों को कसम अल्लाह की हम बहुत ज़्यादा जैलील हो गए कसम से बहुत ज़्यादा तो अब क्या सोच रहे हैं क्या डिसीजन लिए हुए आप हम तो बाहर चल जा रहे हैं भाई एक दो भई मेरे दुबई चले गए मैं खुद भी इन जा रहा हूँ कोशिश में हूँ ना बस पाकिस्तान में हम सारी बाहर जाएगी तो को कौन रन करेंगे बस इधर अम्मी अबू को छोड़ेंगे और बच्चों को बाकी तो हम जा रहे हैं इन इधर तो बाकी कसम से ज़िंदगी आज बहुत जलील हो गई हमारी हम पहले लोगों को देते थे दस लाख बीस लाख दस्ती आज कल कसम से खाने पीने के लिए परेशान है और इशारा बेड़ा दो हज़ार अठारह के बाद हुआ है क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे हुक्मरानों को कि गरीबों पर तरस खाएं या कुछ और मैसेज देना चाहिए मैसेज ये भाई जान के सारे इतफाक़ कर ले बैठ जाए ये मुल्क का सोच है हमारा सोच है हम क्या करेंगे ये मेरे दो भाई अभी चल, चले गए दो भाई ना तो ये क्या करेंगे आखिर में करेंगे क्या कोई हमें भी कोई सिस्टम दे दे कोई तरीक़ाकार बता दे कि इस कार पे आप लोग चलो ये माशा सारे जवान है आप देख रहे हो सारे बेरोजगार है ये देखो इधर भी पाँच छः सौ कड़े होंगे बेरोजगार तो ये छोटी सी जगह में बेरोज़गार नौजवान खड़े हैं तो बाकी आप अंदाजा लगा कि मुल्क का क्या हो रहा है तो सर क्या अभी एस सी यू की मीटिंग होने जा रही है जो कि दुनिया के बड़े बड़े जितने भी लीडर्स हैं मुल्कों के अंदर से उनके फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं तो अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया के अंदर एस सी यू मीटिंग होने जा रही है तो वो भी जाने लगे हैं तो क्या समझते जाना चाहिए बिल्कुल जाना चाहिए फॉरन से पहले जाना चाहिए हाँ वहाँ खबर का पता था पहले हाँ मुझे पता है दस दिन पहले मुझे पता चल गया था तो क्या समझते हो दिन पहले ये खबर क्या फील किया आपने? मैंने कहा अच्छी बात है यार ये ताल्लुक होना चाहिए ना ताल्लुक आपको हर नस्ल हर बंदे हर किसी के साथ रखना पड़ता है अपने मफादात के लिए अपने लिए आ। इंडिया तो कहता है कि जब पाकिस्तान के हालात खराब होते हैं तब वो हमारे साथ तलुकात अच्छे करने के लिए आता है तो वो सही कहता है या गलत कहता है नहीं असल में तो सियासतदान से ही करना चाहते हैं लेकिन जोर मोर होता है ना ऊपर से तो शुक्रिया यार आपका थैंक यू सो मच चलिए दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और पूरे वीडियो में मैं इंतजार करता रहा कि भाई कश्मीरी पंडितों की बात होगी कश्मीरी पंडितों की बात होगी और कहीं भी कश्मीरी पंडितों की बात नहीं हुई मतलब ये तो बड़ा डाइल्यूट करने वाला हेडलाइन लगाई है मुजम्मिल भाई ने कि भाई, भाई कश्मीरी पंडितों की बात क्यों नहीं की जाती और पूरे वीडियो में कहीं भी कश्मीरी पंडितों का जिक्र तक नहीं हुआ तो ये बड़ा अच्छा नहीं है ये ये तो भ्रामक हो गया ये तो मतलब एक तरह से कहूँ तो धोखेबाजी करती मुजम्मिल भाई ने कि भाई आपने टाइटल दे दिया फलाना और अंदर कुछ माल ही नहीं उसका खैर जो भी है कश्मीरी पंडितों की बात हुई है तो बिल्कुल पाकिस्तान के लोग मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी पंडितों की बात करते होंगे उनको लगता होगा कि हिंदू कौन बात करेगा हिंदुओं की भाई वो तो मुसलमानों की ज़मीन है लेकिन ये भूल जाते हैं कि मुसलमानों से पहले वहां पे हिंदू भी रहते थे और ये भूल जाते हैं कि जो कश्मीर के मुसलमान हैं वो भी जानते हैं कि जो कश्मीरी पंडित हैं वो उनके साथ साथ रहते हैं उनका भी जम्मू कश्मीर पर उतना ही हक है जितना उनका है मतलब कश्मीरी पंडितों का भी उतना ही हक है जितना उनका है, उनका है। लेकिन नाइन्टीज में हमने देखा कि पाकिस्तानी प्रायोजित स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ने किस तरह से चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया उनको मारा बहु बेटियों के साथ क्या किया हमें सब याद है हम भूले नहीं हैं हम लोग की मेमोरी बहुत तगड़ी होती है और बहुत लंबे टाइम तक हम चीज़ें याद रखते हैं हम भूलने नहीं देते और, और ना ही जम्मू कश्मीर के लोग भूले जम्मू कश्मीर के लोग भी नहीं भूले हैं ना भाई और उनमें से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो उसमें शामिल रहे होंगे लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है ना तो इसलिए देखिए जुल्म काफ़ी टाइम तक हो नहीं सकता जुल्मी को मरना ही पड़ेगा और पाकिस्तान मर रहा है और इसका सबूत इसको मतलब मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है सब कुछ सामने है आंखों के सामने है, शीशे की तरह साफ है जम्मू कश्मीर की रियासत का वो हिस्सा जो उधर है पाकिस्तानियों को पार्ट जम्मू कश्मीर उन लोगों ने चुना कि जी हम चुना क्या पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया बेचारों पर अब चुना क्या उन्होंने मजबूरी में बोलते हैं कि जी पाकिस्तान जिंदाबाद लेकिन पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया 75 फाइव ईयर्स में ये उनको सोचना चाहिए उनको देखना चाहिए कि क्या उन्हें यूनिवर्सिटीज़ मिली क्या कॉलेजेस मिले क्या मेडिकल कॉलेज मिला क्या इंजीनियरिंग कॉलेज मिला क्या हॉस्पिटल्स मिले क्या सड़कें मिली क्या रोज़गार मिले क्या बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिली क्या बिजली मिली क्या साफ पानी मिला इन सवालों के जवाब वो खुद से पूछें और फिर तय करें कि पाकिस्तान उनके साथ किस तरह खेल रहा है लेकिन अब धीरे धीरे बातें उनको समझ में आने लगी है। देर से आई हैं चलिए कोई बात नहीं लोग जितनी जल्दी समझ लें वो समझ लें और सिर्फ बॉर्डर पार जो हमारे पास जम्मू कश्मीर है वहाँ पर हालत आप लोग को पता ही होंगे आप लोग के रिलेटिव रहते होंगे आप लोग फ़ोन करके पूछते ही होंगे तो जाहिर सी बात है कि दुख तो होता ही है और इधर के लोगों को भी दुख होता होगा कि भाई आप उन्हीं के हिस्से हैं और एक हिस्सा जो है वो खुशहाल है एक हिस्सा जो है वो बदहाल है तो दुख तो होगा जाहिर सी बात है दुख होगा पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है हालत देखकर हमें भी दुख होता है यार लेकिन फिर लगता है कि नहीं यार जैसी करनी वैसी भरनी आप जैसी फसल जैसी बीज बोगे वैसी फसल काटोगे तो आपने टेररिज्म का बीज बोया आपने हमारे खिलाफ साजिशों के बीज बोए आपने हमारे खिलाफ जुल्म किए तो ऊपर जो बैठा है वो भी देख रहा है ना तो वो इंडिया को क्यों ग्रो करा रहा है और आपको क्यों नहीं ग्रो करा रहा इंडिया के लोगों को क्यों खुश रखा हुआ है उधर के लोगों को खुश क्यों नहीं रखा है सेवेंटी फाइव में आप बहुत ध्यान से इस बात पर सोचिए कि आखिर ऐसा क्या गुनाह किया है आप लोगों ने कि उसकी सजा आप लोगों को मिल रही है और ये गुनाह इक्का दुक्का लोगों का नहीं ये गुनाह पूरे पाकिस्तान के लोगों ने किया है चुप रहकर देखना भी अगर पाकिस्तान इंडिया पर अटैक कर रहा है और लोग उसको देखकर भी चुप है उनको पता है कि यह पाकिस्तान ने गलत किया है उस गलती को भी आप प्रोटेस्ट नहीं करते हैं आप चुप हैं तो आप भी उस जुल्म के भागीदार हैं तो जब आप जुल्म के भागीदार बन गए तो आपको सजा तो मिलेगी और सजा मिल रही है आज आपकी पूरी कौम आटे के लिए तरस रही है आज आपकी पूरी कौम महंगाई से त्रस्त है आज आपका पूरा देश भीख भीख मांग रहा है भिखमंगा हो गया है तो जितनी जल्दी आप लोग समझ जाए चलिए जल्दी हाजिर होता हूं एक और वीडियो के साथ नमस्कार जय हिंद